जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनको पता है कि एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बनाने का जो फीलिंग होती है वो बहुत अलग होती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जो हम प्लांट्स या लगाते हैं उनकी कटिंग्स लगाते हैं वो मर जाती हैं अक्सर। तो चलिए पहला आप अपडेट देखिए। देखिए इनकी हालत, आप ये हैं कटिंग्स। बहुत दुख होता है ऐसे कि इनकी हालत कैसी है और कितनी अच्छा ग्रोथ कर रही थी और ये अब बिल्कुल देखिए सूख चुकी हैं। तो चलिए पता करते हैं कि क्या रीज़न था इन कटिंग्स के ऐसे डल होने का, ऐसे मरने का। तो नंबर एक रीज़न जो मुझे लगता है कि ये कटिंग्स फेल हुई हैं वो है, इनको जब लगाया था और एक पॉलीथिन में, जैसे आप देखा आपने अपडेट में कि कवर किया था, तो उसमें ये जो कटिंग्स थी ये बार बार हिल गई थी अपनी जगह से, जिसकी वजह से रूटिंग नहीं ले पाई। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप ऐसे कटिंग्स लगाएं उनको एक बार लगाने के बाद जब वो ऐसे लग जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो कटिंग्स फिर ऐसे हिले ना या फिर अपनी जगह से वो मतलब डिस्प्लेस ना हो, तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा रीज़न और जो आई थिंक सबसे मेन रीज़न है इन कटिंग के रॉट होने का, वो है मैंने इनको ज़्यादा पानी दे दिया। ऑल दो स्प्रे में ही दिया मैंने इनको पानी, लेकिन पानी मैंने इनको एक्स्ट्रा दिया। उसके कारण देखिए आप जब आप निकालेंगे तो ये ब्राउन हो चुकी है, नीचे से रॉट हो चुकी है। तो इसका एक ही रीज़न ये है, ओवर मॉइस्चर और मैंने पानी ज़्यादा दिया। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप एक बार इसमें पानी दे दें कटिंग लगाने के बाद और ऊपर से फिर आप इसको कवर कर दें जब एक पॉलीथीन से या कोई भी लिड से, फिर आपको दोबारा इसमें पानी नहीं डालना है, जब तक नहीं डालना जब तक ये बिल्कुल बिल्कुल सूखी ना हो जाए और जो ये आप देख रहे हैं मिट्टी, ये आपके हाथ में ऐसे चिपके ना, तब तक आप इसमें कुछ भी पानी नहीं डालेंगे और ना ही कुछ इसमें स्प्रे करेंगे। और जो तीसरा रीज़न है वो आई थिंक उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मॉइस्चर, और वो है ह्यूमिडिटी। तो इसकी ऊपर ऊपर से जो लिड थी, जो पॉलीथीन थी, वो बहुत जल्दी हटा दी थी, जिसकी वजह से इसमें ह्यूमिडिटी की जो लेवल थी वो कम लेवल कम हुआ और उसकी वजह से ये पत्ते जो हैं वो सूख गए। आप देख सकते हैं ये पत्ते बिल्कुल सूख गए। तो ये भी रीज़न, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब आप इसको लगा रहे हैं और उस लीड को आप एकदम से बिल्कुल एकदम से ना हटा दें, उसको आप धीरे धीरे हटाएं, और जब आपको लगे कि आपकी जो कटिंग्स हैं उसमें दो तीन ब्रांचेज आ चुकी हैं और वो अच्छी तरह हो रहा है, तभी आप उस पॉलीथीन या लीड को हटाएं। चौथा जो रीज़न है वो टेम्परेचर, एयर सर्कुलेशन। तो जब आप इसमें लीड लगाते हैं या पॉलीथीन से जब कवर करते हैं तो वो इसमें जो एयर फ्लो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये कटिंग्स रॉट हो सकती हैं। और दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया में कुछ दिन, मतलब जो हमारी विंटर थी वो ओवर एक्सटेंड हुई, बारिश हुई बहुत, तब तक ये ठीक थे लेकिन एकदम से टेम्परेचर डाउन चला गया और उस फ्लक्चुएशन की वजह से, वो टेम्परेचर के एकदम इतने जल्दी बदलाव के कारण भी ये कटिंग्स एकदम उस शॉक को झेल नहीं पाई और उसकी वजह से भी कटिंग्स रॉट हो सकती हैं। पांचवा और जो आखिरी रीज़न है वो है फंगस का। तो देखिए ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें फंगस के लिए टर्मरिक पाउडर लगाया था ऊपर, लेकिन वो काम नहीं किया। कुछ स्टिक्स में फंगस भी लगाए, आप इसको देखेंगे जब, तो इसमें देखिए फंगस का कोई रीज़न नहीं है, इसमें नीचे से रॉट हुआ है। और
इस वाले में भी देखिए, इस स्टिक में यहाँ पर फंगस लगाया लेकिन, और इस वाली में नहीं लगाया। आप फंगस के लिए फंगिसाइड डालें, मैंने टर्मेरिक पाउडर यूज़ किया था और वो काम नहीं किया, एक एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं आप। तो आप फंगिसाइड का यूज़ कीजिए ताकि फंगस ना लगे। तो आपने देखा मेरी कटिंग्स की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है, ऑलमोस्ट मर ही चुकी हैं और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा इनमें अब। और आपने देखा कि मैंने इनकी थोड़ी ज़्यादा केयर कर दी, ओवर केयर की वजह से भी ये मर गई हैं। सो आप भी अगर हो सके तो इन बातों का ध्यान रखें और इन गलतियों को आप ना दोहराएं। मैं दोबारा ट्राई करूँ दोबारा प्रोपोगेट करने का, मैं नई कटिंग्स लाऊंगा और उनको मैं मानसून के बाद ही प्रोपोगेट करूँगा, क्योंकि रोजेज हैं उनको थोड़ा सा कोल्ड टेम्परेचर ज़्यादा अच्छा लगता है, और जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में अब गर्मी आने वाली है तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श हो जाएगा और कोई मतलब नहीं बनता रोज़ कटिंग्स लगाने का अभी। तो आप भी इन गलतियों को ना दोहराएं, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ वहाँ। आप मुझे फ़ोटोज़ भेज सकते हैं अपनी कटिंग्स की, ताकि मैं ज़्यादा समझ के आपको भी कुछ अच्छी तरीके से उन बता पाऊँगा, उसकी रेमेडी बता पाऊँगा, आप क्या कर सकते हैं उस कटिंग्स को बचाने के लिए। तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि मैंने क्या गलती की इस इनको ग्रो करने में, जो भी आपने देखा आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी गार्डनिंग।